बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम जी, नाज़रीन आपका मेज़बान फैसल मीर DHQ हॉस्पिटल से आपके सामने हाज़िर हूँ। फ्री दस्तरखान के हवाले से आपको बताना मकसद था, और इसका जो बुनियादी मकसद है वो अपने लोगों की हौसला अफजाई करनी है। वो मुहैया हजरात जो यहाँ पर आते हैं और अपने अपनी इस्तेदाद के मुताबिक यहाँ पर जो है वो ये खाना तकसीम करने वालों की मदद करते हैं, फिर वो खाना गरीब लोगों तक जाता है। वो खाना किस तरह का होता है, बड़े इज्जत और एहतराम के साथ यहाँ पर खाना दिया जाता है। अभी ख़ुद भी इंशाल्लाह मैं ये खाना खाऊँगा। और ये देखिए, ये वर्कर्स जो है उस वक्त लगे हुए हैं। एक साहब जो है वो यहाँ बुजुर्ग को खाना खा कर उनसे पूछते हैं, सर सबसे पहले ये बताएं कि आपने खाया क्या है आज? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, हमने आज चावल खाया, उसमें गोश्त था मुर्गी का। अच्छा। और माशाल्लाह जो स्टाफ है यहाँ जो बरता रहे हैं उनका दावन बहुत अच्छा है, बहुत इज्जत रिस्पेक्ट। कैसा खाना था? खाना बहुत अच्छा था माशा। जमीन पे बैठ के खाते हैं या टेबल? टेबल पे बैठ के खाते हैं। ये अभी जो हमारे बैकग्राउंड में आप देख रहे हैं, मैं जो खाना जब तकसीम होगा दूसरे सेशन में वो भी मैं आपको वीडियो में दिखाऊंगा, खुद भी मैं यहाँ पर खाना खाऊंगा। और ये जो बताने का मकसद ये था कि ये लोग किस अंदाज से यहाँ पर खाना तकसीम करते हैं, कैसे देते हैं, ये बताएं कि मजमूई तौर पर मुख्तलिफ जगहों पर लंगर चलते हैं, यहाँ पर जो लंगर तकसीम किया जाता है, इस हवाले से आप क्या कहते हैं? जी माशाल्लाह, मैंने बहुत से लंगर देखे हैं और ख़ुद भी मैं लंगर वालों के साथ तावन भी किया है और जो है ना उसका हिस्सा भी रहा हूँ, लेकिन ऐसा लंगर मैंने पहले कभी नहीं देखा है। माशाल्लाह बहुत साफ़ सुथरा माहौल, साफ़ सुथरी प्लेटें, साफ़ सुथरे गिलास हैं, ख़ास करके स्टाफ का जो तावन है ना वो माशाल्लाह बहुत अच्छा है। कोटली का ये सरकारी अस्पताल है, यहाँ पर बहुत लोड है, अमूमन ये गरीब लोग यहाँ पर आते हैं, समझते हैं कि जगह का इंतखाब बड़ा अच्छा हुआ है। माशाल्लाह जगह का बहुत बेहतरीन इंतखाब हुआ है, इससे बेहतर तो कोई जगह हो ही नहीं सकती है। कोटली DHQ अस्पताल के ये मनाजिर हैं जहाँ पर फ्री खाना लोगों में तकसीम किया जाता है। इस फ्री खाना की जो सबसे ख़ास बात है वो ये कि बड़े इज्जत और एहतराम के साथ लोगों को टेबल के ऊपर कुर्सियों के ऊपर बिठाकर ये फ्री खाना दिया जाता है। DHQ अस्पताल में JDC और अदील मलिक के भरपूर तावन से फ्री दस्तरखान का अहतमाम रोज़ाना की बुनियाद पर किया जाता है, जहाँ हर रोज़ तकरीबन 800 लोगों को फ्री खाना मुहैया किया जाता है, जिसमें ज़्यादा तादाद मरीज़ लोगों के लवाहिकीन की होती है। DHQ अस्पताल अमूमन जो सरकारी अस्पताल है और यहाँ पर गरीब गुरबा लोग ही हमेशा तशरीफ़ लाते हैं। यहाँ पर हमेशा सैकड़ों मरीज़ जो है वो अस्पताल के अंदर दाखिल होते हैं, उनके साथ जो लवाहिकीन होते हैं उनकी तादाद भी सैकड़ों होती है। और इसमें कोई शक नहीं कि सरकारी अस्पताल में आने वालों लोगों की जो तादाद है वो ज़्यादातर गरीब लोग की होती है। और सबसे जो ख़ास बात है इस फ्री दस्तरखान की कि इस दस्तरखान के लिए जिस जगह का इंतखाब किया गया है वो जगह बहुत बेहतरीन है, क्योंकि अमूमन DHQ अस्पताल में गरीब लोग ही ज़्यादातर आते हैं। तो आप देख रहे हैं मैं DHQ हॉस्पिटल के एरिया में बैठा हूँ और ये मैं यहाँ पर लंगर जो है वो खा रहा हूँ। ये बिरयानी है और उसमें चिकन है, बहुत ज़्यादा टेस्ट है। जो लोग इस लंगर को चला रहे हैं उनको मैं अपनी स्क्रीन के ऊपर दिखा चुका हूँ। और इस जो लंगर की जो सबसे ख़ास बात है कि बहुत इज्जत और एहतराम के साथ ये सब लोगों के साथ मैं बैठा हुआ हूँ, आप देख सकते हैं। और ये टेबल है, यहाँ पर पीछे बेंच है और यहाँ पर बड़े इज्जत तरीके से इस लंगर को दिया जाता है। और ये जो बिरयानी है इसका टेस्ट बहुत ज़्यादा है, इसके अंदर चिकन है। और यहाँ पर जब भी खाना दिया जाता है वो बहुत बाइज़त तरीके से दिया जाता है, बहुत बेहतरीन तरीके से दिया जाता है। एक दफ़ा आप यहाँ का विज़िट ज़रूर करें। और मुहैया हज़रात भी यहाँ पर आते हैं जो इनको मुख्तलिफ़ अजनास देते हैं और मुख्तलिफ़ अपने अपने इस्तेदाद के मुताबिक इनकी मदद भी करते हैं। और जो सबसे खूबसूरत बात जो मुझे लगी है, ये देखिए यहाँ पर टेबल लगे हुए हैं, बहुत इज्जत से बहुत एहतराम के साथ ये खाना खिलाते हैं। और मैं भी यहाँ पर बैठ गया इस खाने को देख के कि मैं भी देखूँगी ये खाना कितना ज़बरदस्त है। आप यकीन करें कि इसका खाना बहुत ज़बरदस्त है, उसका टेस्ट बहुत ज़्यादा है। आप एक दफ़ा यहाँ पर ज़रूर विज़िट करें। मैं यहाँ आया हूँ, मैं अपना हिस्सा भी यहाँ पर डाल के जाऊँगा इंशाल्लाह। और बड़ी खुशी हुई है कि DHQ हॉस्पिटल वाला जो एरिया है वो यहाँ पर मोस्टली जो लोग हैं वो सरकारी अस्पताल है, गरीब लोग यहाँ पर आते हैं, लोगों के पास दवाइयाँ लेने के लिए पैसे नहीं होते, वो खाना कहाँ से खाएंगे। लेकिन ये लोग जो स्क्रीन के ऊपर मैं आपको दिखा चुका हूँ यहाँ पर ये लंगर चला रहे हैं, हॉस्पिटल वाले इनको एक खूबसूरत बिल्डिंग भी यहाँ पर दे दी है। ये बिल्डिंग भी आप देख रहे हैं हमारी स्क्रीन के ऊपर, इतना ही खूबसूरत बिल्डिंग है, यहाँ पर बिजली है, पंखे हैं, सब कुछ है। तो हमारी दुआ है कि अल्लाह पाक ये जो खिदमत कर रहे हैं लोग इनको इस मज़ीद इसकी तौफीक दे, अल्लाह पाक इसका अजर दे। आप भी ज़रूर यहाँ पर आएँ, इस चीज़ का विज़िट करें, बहुत अच्छा खाना। और सबसे खूबसूरत बात कि बहुत बाइज़त तरीके से ये खाना यहाँ पर देते हैं। तो मेरी भी दुआएँ जो है इन सब लोगों के साथ हैं, और आप भी जो है अपनी दुआएं ज़रूर कीजिएगा। और अपने अपनी इस्ताद के मुताबिक अगर आप कहीं समझते हैं कि आप खिदमत करना चाहते हैं तो यहाँ विज़िट करें, इन लोगों के साथ मिलें, इनसे बात करें, ताकि आपका दिया हुआ गरीब लोगों तक खाना पहुँचे। जी राशन।
राशन की सूरत में भी आप हेल्प कर सकते हैं। यहाँ पर मैंने देखा है कुछ मुहैया हजरात जो है वो राशन की सूरत में भी यहाँ पर इनसे मिलते हैं। मुश्ताक ताबिज साहब यहाँ पर मौजूद है, जैसे मदार हैं, अदरीस चौहान साहब हैं, ताहिर साहब हैं, तो आप इन लोगों के साथ रब्ता कर सकते हैं। विजिट ज़रूर करें, मैं भी विजिट किया, इन्होंने मुझे कहा बैठे आप खाना खाएँ, बहुत अच्छा खाना है। अपना फीडबैक जरूर दीजिएगा। इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफिज़।